ओम शांति। एही मार्गदर्शन कार्यक्रम को आपण मानको स्वागत जनाउछु। जीवन बंधुर पथरे अतिक्रम करिबा बेले मन भितरे उंकी मारी थाए अनेक प्रश्न। सेही प्रश्न गुड़िकरे छंदी हो जाइतला बेले एही मार्गदर्शन आमको तार समाधान देई परिबा बोली मोर आशा। तेबे आज आम मानको गहणरे अछंती समाजर वरिष्ठ नागरिक माने, जो माने समस्तंकर पूज्य समस्तंकर नमस्य। कर्म जीवन व्यस्तता भितरे से माने गति करी केतेबेले जे से माने आसी पहुंची जाइचंती जीवन शेष पहाचरे निजे भी जाणी पार नांदी। तेबे या भितरे अनेक पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, कर्म जीवन रे सेई कर्म व्यस्तता भितर समस्या, एगुड़ेको तांको मन भितरे छंदी हो जाइछि। किंतु तार प्रश्न आज भी खोजिके से माने पाई नहांते। आज आम मानक गहण रे से मानक सेई असमाहित प्रश्नर उत्तर दवा पाई उपस्थित अछंती आमर त्याग और तपस्यार प्रतिमूर्ति, आध्यात्मिक जीवनर अनेक अनुभूति को साउंटी आनिथिबा ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश भौणी। आमे दुर्गेश भौणी को स्वागत करुछु। तेबे एठी मु अनुरोध करबी आमर वरिष्ठ नागरिक मानक मनरे जो अनेक प्रश्नवाची अछि सेगुडिकर आज समाधान करबा ए मार्गदर्शन माध्यम रे। मु आम भौणी को अनुरोध करबी से मानक उद्देश्य रे किछि कहिबा पई। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज आपण मानक स्वागत करुछि। आज आपण मानकर जीवन अनेकंक मार्गदर्शन साधन हो जाएगी। वयोज्येष्ठ व्यक्ति आज समाज पूज्य आपणक जीवन अनेक अनुभूति अनुभूति जो शिक्षा आपण ग्रहण करछंती शिक्षा आज समाज अन्य मानक एक आदर्श अवश्य हो पार। तेणु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एई वयोज्येष्ठ वर्गर भाई भौणी मानंकु एई वयोज्येष्ठ भाई भौणी को उद्देश्य रे सदा जीवनर वास्तविकता को अनुभव करी अनेक जीवन रे प्रेरणा दबा पाई उच्च हेबा पाई एक प्रेरणा दे आछि। कारण आज आपण मानक व्यक्तित्व रे जो जागृति अनुभव हुए समाज रे से जागृतिर आधार हैला आध्यात्मिकता। कारण वृद्ध ताकू कहा जाए जिए आउ किछि सिखिबार रुचि न रखे। तेणु आमर विश्वास जे आपण माने सेई वर्गर जो माने सदा सिखी अनुभव करी शिक्षाइबा पई ए समाज रे तत्पर अछंती। तेणु ईश्वरीय विश्वविद्यालय रो शिक्षा अनुकूल्य रे आपणक अंतर्निहित शक्ति तथा वयोज्येष्ठ वर्गर व्यक्तिंकर आंतरिक शक्तिर जागृति आधार रे समाज को एक संपूर्णता देबारे जो भूमिका रहिछि से भूमिका को संपन्न करिवार लक्ष्य नेछि ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तेबे वर्तमान आमे आम कार्यक्रम को आगे नबा। मु आमर वयोज्येष्ठ भाई मानन को अनुरोध करिबी तांका मनरे उठुथिबा अनेक प्रश्न को से माने आज आम भौणी को निकटरे उपस्थापना करिबे आउ तांकर संतुष्टजनक उत्तर मध्य पाई परिबे बोली मोर आशा। अनेक भाई अछंती समस्ते निज निजर मनरे उठुथिबा प्रश्न को से माने भौणी को आगरे कहिबे
ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ହାତ ଟେକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସାହୁ। ମୋର ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ 1936 ମସିହାରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୀର୍ଘଦିନର ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଶାନ୍ତି ବଦଳରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା ଆହୁରି କ'ଣ ଅଧିକ ହେବା କଥା ଭଉଣୀ, କ'ଣ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ପତିତ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କି ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତା ଆଣିବା ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କାରଣ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୀତି, ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ଅବଶ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଉନ୍ନତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେ ଚରିତ୍ରର ଅବନତିର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏସବୁ ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶାନ୍ତିର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ତାର ସେକକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସରରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛେ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ତପ ହେଉଛି, ଅନେକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କାହିଁ ଶାନ୍ତି ତ ଫେରି ଆସୁନି। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଜାଣି ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏକି ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସଂସାରରେ ଅବତରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକତା ହେଲା ଶାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଲା ଶାନ୍ତି, ସେ ଚେତନା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ ତାରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଆତ୍ମାର ଜାଗୃତି ଆଧାରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସେ ସମାଜକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ସମାଜ କହିପାରିବା କି? କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଭଳି ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରିପାରିବା, ଏବଂ ସେଇଭଳି ସମାଜର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଭଳି ଯୋଗଦାନ ଅବସରରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ନିଜର ପରିଚୟ। ଆମେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଭାବୁଛେ କି ଶାନ୍ତି ମୋର ନିଜର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋରି ପାଖରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ଏ ସଚେତନତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା, ଆମ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତାରି ପ୍ରତିରୂପରେ, ତାରି ପ୍ରତିଫଳରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା।
तेणु ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रचेष्टा आपण मानक आमंत्रण करिबा बाहुल्य प्रत्येक ए कर्तव्य पाई जाग्रत हूँ। द्वितीय प्रश्न, आज समाज जो वरिष्ठ वर्ग अवहेलित अनुभव करोटी आम समाज भिन्न भिन्न वर्गंर तथा भिन्न भिन्न सत्तार भूमिका विषय चर्चा कले अर्थनीति सामाजिक नीति आदि आदि आम भूली जीवा नहीं कि आध्यात्मिकतार ए समाज गठन रे तथा व्यक्तित्व गठन रे एक विशेष भूमिका रही। तेणु आज समस्त उन्नति सत्वे जहार अभाव रही व्यक्तित्व गठन रे चरित्र गठन रे से हेला आध्यात्मिकता। तेणु आध्यात्मिकतार जागृति द्वारा से सत्तार जो लक्ष्य रही से सत्तार लक्ष्य पूरण करिवारे समर्थ हो पार। आज आम जहाँ अभाव अनुभव करुचे तार अंतराल रहिला चरित्र गठन अभाव। तेणु संपन्न चरित्र गठन पर भविष्य नागरिक मानकर संपन्नता पाई आम समस्ते भविष्य नागरिक आम समस्त जो दायित्वबोधता रही से दायित्वबोधता को संपन्न करिवार आधार हैला आध्यात्मिकतार जागृति। आध्यात्मिकता नुहे घर द्वार छाड़ी आम कौन केवल पूजा पाठ करिबा बरं निजको आत्मा निश्चय करी से परम शक्ति को ग्रहण करिबा जहारी आधार रे आम पाखरे थिबा सुप्त सकारात्मकता को जाग्रत करिवार सामर्थ्य को आम धारण करि पारिबा तेबे ही समाज प्रत्येक वर्ग प्रति आमर सम्मान रहिबो आउ सर्वोपरि आत्मसम्मान आधार रे अन्य प्रति सम्मान दबार जो विशेषता को मानव धारण करिबा पई समर्थ हेबो। तेबे मु एठी अनुरोध करिवि आउ कहा मनरे कोन प्रश्न अछि आम भौणी को निसंकोचरे पचारि पारंथि। मु इंजीनियर विजय कुमार महांती एज केयर असोसिएट्स जोटा कि गोटे वरिष्ठ नागरिक संगठन गोटे तार मु संपादक। प्रथम प्रश्न है जे राजयोग कौन और जुग और राजयोग भितर प्रभेद कौन। जड़े वरिष्ठ नागरिक योगाभ्यास करने तार शारीरिक और मानसिक स्थिति कौन होगा दरकार। द्वितीय प्रश्न है जे आम जो आम वेद वेदांत पढ़ीचे आत्मा परमात्मा और ब्रह्मा ये सब एका समस्त गोटे गोटे अद्वैत ब्रह्म जो कौन आम जो बिंदु बोली जहाँ सिग्निफाए करते बिंदु सिग्निफिकेन्स तार बैकग्राउंड कौन और कौन पे बिंदु बोली सिग्निफाए कर जेहे निराकार आम कौन आकार कहीं प्रदान कर। साधारणतः योग शब्द कहले किसी भ्रांत धारणा आज मनीष समाज पाखे रही। योग शब्द शुणा मात्र के आम मानकर धारणा हुए बोध हुए आमको शारीरिक कौन सी हठक्रिया करने को पड़ो जो आम शरीर सामर्थ्यर निहाती आवश्यकता अच्छी। जो समय आम योगी शब्द उच्चारण करती से समय आम को एक त्यागीर चित्र आम मनर आखिरे देखा जाए जो कि आज समाज रे आम योग प्रति आकर्षित हो पारती ना। किंतु आम समस्ते लिटरली जानती कि योग शब्दर अर्थ जोड़ीबा। आमे गणित शिक्षा कले संख्या परे गणित रे योग एवं वियोग दुईटी शिक्षा कले सेई भली आमे जीवनर भिन्न भिन्न स्तर रे योग शब्द सहित संश्लिष्ट अछे। ए ग्लास पानी टी अछि जहाँ को पी आमे आम तृष्णा मेंटेई पारंती किंतु ए ग्लास पानी रे जदि दुई चामच चीनी मिश्रण करा जाए तार स्वादरे अंतर आसी जाए ता मध्य एक योग जहाँ भौतिक स्तर योग आमे जो विद्युत शक्ति प्रयोग करी गोटे कोठरी रे तार अनुभव करी पारछे से विद्युत शक्ति को संप्रसारण करिबा पई आउ गोटे कोठरी को नबा उद्देश्य रे दुईटी तार को जोड़ुछे सी मध्य गोटे प्रकार योग जहाँ को आमे भौतिक स्तर योग कहते। द्वितीयटी हैला मानसिक स्तर योग आम मन स्वाभाविक भाव कौटिना कौटि जोड़ी हो जाए
ଆପଣ ଏଇଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ, କୌଣସି ବସ୍ତୁଠାରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ଘଟଣାକ୍ରମରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜଣେ ଜଣେ ମାନସିକ ସ୍ତରର ଯୋଗୀ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ଯୋଗ, ଯାହାକୁ ହିଁ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନର ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କ୍ରମରେ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଏ, ତଥା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପରେ ପରମାତ୍ମା କିଏ, କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ତା ସହିତ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, କେଉଁ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରି ଆସିଛେ, ଏଇ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କି ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଏ। ତାରି ଆଧାରରେ ପରମାତ୍ମା ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଥିବା ବିଧିକୁ ହିଁ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁଭଳି ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଥାଉ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିନ୍ଦୁର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ, ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ଅବସରରେ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ମିଳେ, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଯାଏ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ କ'ଣ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ଅବସରରେ ଆତ୍ମା, ଯାହାର କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ, ଏହି ସ୍ଥୂଳ ପଞ୍ଚତତ୍ଵର ଶରୀରକୁ ଚଲେଇବାର କ୍ଷମତା ସେହି ଆତ୍ମାରୂପୀ ସତ୍ତାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ହେଲା ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିପାରେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା କ'ଣ, ତାରି ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ମନରେ ସେ ଉତ୍ତର ଫେରି ଆସିପାରେ, ଆତ୍ମା ଏକ ଶକ୍ତି। କି ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ଏକ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଆଦି ହେବା ଆଧାରରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଏକ ଚେତନା ଶକ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସ୍ଥୂଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହଁ, ସେ ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜ, ଯାହାକି ମାନବ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମାହାର, ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯାହାକୁ ଚଲେଇବାର କ୍ଷମତା ଆତ୍ମାରୂପୀ ଶକ୍ତିର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜ ବା ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଶାରୀରିକ ଚିକିତ୍ସା, ଶରୀର ଚିକିତ୍ସା ଯିଏକି ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ,
सब सिस्टम मस्तिष्क द्वारा चले। किंतु कौतूहल कथा आध्यात्मिक शिक्षा से शक्ति आरंभ होता है जो शक्ति मस्तिष्क को मध्य चलेबापाई समर्थ होता है। तेणु से शक्ति एक सूक्ष्म शक्ति एते सूक्ष्म जहाँ ए आखिरे दृश्यमान नुह कौनसी वैज्ञानिक जंत्रपाति द्वारा दृश्यमान संभव नुह तो से सूक्ष्मति सूक्ष्म सत्ता जहाँ को गोटे बिंदुर बिंदु तुल्य वर्णना करा जाएगी। तासह परमात्मा का संबंध में मध्य जिते बड़े वर्णना करा जाएगी परमात्मा तांकर निजस्व परिचय दियंती मु भी गोटे आत्मा जे भली तुम्हें माने समस्ते आत्मा शरीर धारण करी कर्तव्य करुछ मु आत्मा किंतु मु परम आत्मा मु अजन्मा परमात्मा से भी गोटे आत्मा। प्रत्येक आत्मा तार संस्कार आधार रे आज ये समाज रे महात्मा देवात्मा पुण्यात्मा पाप आत्मा दुष्टात्मा एभली भावरे परिचित किंतु से परम आत्मा परमात्मा किए जे सर्वमान्य जे सर्वोच्च जे सर्वज्ञ जे सर्वोच्च दाता आ से मध्य तांकरे परिचय दियंती मु आत्मा तुम्हारे भली सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अर्थात ए संसार को आलोक दान करुथुबार सामर्थ्य जहाँ पाखे अच्छी ज्ञानालोक दान करुथुबा से परम शक्ति तांकर मध्य परिचय रे बिंदु तुल्य देखि दिया जाए अर्थात खूब सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म किंतु से समस्त गुणर सिंधु समस्त शक्तिर सिंधु तेणु से शक्तिर पुंज जोठी केन्द्रीभूत है से शक्तिर समाहार बिंदु सदृश्य परम आत्मा। मु भवानी शंकर महांती सीनियर सिटीजन डाकंठ नगर नुलर संपादक मोर प्रश्न है वर्तमान समाज रे युवपीढ़ी पितामाता श्रृंखला बाहर एवं कुपथगामी से पान वरिष्ठ नागरिक हिसाब से आमर कर्तव्य कौन ताकि सुपथर आने कौन अवश्य ए प्रश्नटी बहुत गुरुत्वपूर्ण समाज गठन रे प्रत्येकंकर महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज युवापीढ़ी जो शिक्षार अनुप्राणित होती से शिक्षार अंतराल उद्देश्य थिला जीविका निर्वाह जीवन निर्वाहर शिक्षार अभाव आज समाज रे देखा जाए तेणुक जीवन निर्वाहर आधार है आध्यात्मिकता एवं आध्यात्मिकतार ज्ञानर प्रवाह समाज रे विशेष अग्रज मानक आरंभ होबा दरकार। तेणु अग्रज अर्थात वयोज्येष्ठ भाई भौणी माने तांको जीवन रे आध्यात्मिकतार ज्ञानर धारणा को करिबा आधार रे से धीरे धीरे ट्रांसमिट हब परिवार रो नेक्स्ट पीढ़ी पर्यंत परवर्ती पीढ़ी को से स्वाभाविक भाव रे परिवर्तन करिवार क्षमता को धारण करिबो। तेणु युवा पीढ़ी का प्रति परिवर्तन रो जो आशा आम रखुचे ताहा निजठारु आरंभ करिबा आवश्यक अछि। आमे जदि असत गुण गुड़ा को त्याग कर दो त्याग न कर तो योग संभव नै जहाँ पतंजलि कहउछन्ति कि चित्तवृत्ति निरोध करिबाक हेबो ताहेले केमिति एक्जिस्टेंस रहिबो मनसर ए विषय रे आपण कोन कहिबे। संसार रे स्रष्टा तांकर समस्त सामर्थ्य दे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी भाव रे सृष्टि करछन्ति तेणु मनीष ए समस्त सामर्थ्य को धारण करिवार आधार हैला तार विवेक आध्यात्मिक ज्ञान आधार रे मनीषर जो बोध शक्ति बुद्धिर परिपक्वता तथा विवेकर जागृति आधार रे से ता सद्गुण को जाग्रत करि परिबो एवं असद्गुण बा आज जहाँ आम कहे खराब प्रवृत्ति ता उपरे विजय प्राप्त करिवार क्षमता को धारण करि परिबो। मु शरतचंद्र पटनायक एच के एसोसिएट जन कर्मकर्ता आमर ए संसार एत धर्म एत धर्मानुष्ठान एत
भक्त एत पूजक एत पृष्ठपोषक सब रही शिखुचे आम शिक्षा पाचे ये धर्म कौन सत्य कौन न्याय कौन हिंसा अहिंसा कौन नीति अनीति कौन सबू आम शिक्षा पाचे कि तार कौन सी प्रकार प्रभाव टिके आम पड़ पार कौन अभाव रही समय जहाँ आम अनुभव करे कि धर्म अति ग्लानी समय पहुँची जाए अनेक धर्म अनुष्ठान अच्छी अनेक गुरु संस्था शिक्षा सबुर अग्रसर हो जाए किंतु समाज अधोपतन अवस्था को आम अनुभव करे तार कारण है गोटे कारण जो नेचर ल अच्छी नियम अच्छी समय नियम अनुसार ये वर्तमान संपूर्ण तमो प्रधान समय द्वितीय रे मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी जहाँ आम पूर्व प्रश्नर उत्तर मानक चर्चा करें कि आम प्रत्येक भितर मनीषर श्रेष्ठतार आधार है बेक बोध शक्ति तेणु ये बेक शक्तिर जगृतिर अभाव जो आज मानविकतार अभाव देखा जाऊँगी समाज रे अभाव किसी अभाव देखा जाऊँगी एवं परिवार मानक अभाव देखा जाऊँगी मूल उद्देश्य आमर बेकर जागृति जहाँ संभव आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान आधार रे आत्मा बा मानव तार वास्तव सत्ता को चिन्ह से बेक शक्ति को जाग्रत करिवार विधि जहाँकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमात्मा मिलन राजयोग शिक्षा आधार रे संभव हो पारे तारी आधार रे बेक जागृति आधार आम प्रत्येक समर्थ कर्तव्य करने कि क्षमता को प्राप्त करवा भी गोटे कथा क्लीयर होगा चाहिए तपणर कहवा उद्देश्य हूँ मनीष मन भितर जो सुंदर सुंदर गुण सब अच्छी तहार से गुण सब विकसित होगा निहाती दरकार निहाती दरकार कारण मनीषर से है स्वाभाविक गुण एवं जहाँ आज समाज में विशृंखला सृष्टि कर आधार है मनीषर से स्वाभाविक गुणर अभाव से स्वाभाविकता को मनीष न पहुँची पार्थ्वर कारण है बेक शक्तिर अभाव बेक शक्ति जागृतिर अभाव अच्छी प्रत्येक मनुष्य पाखे बेक ताको जाग्रत करिवार आवश्यकता आध्यात्मिकता द्वारा संभव हो पार बहुत बहुत धन्यवाद मु भावुसी आपण प्रश्नर उत्तर पाई सारी तेरे आज तो समय हो जाइए आमर मार्गदर्शन कार्यक्रम आम एठी शेष करिबा आम मार्गदर्शन कार्यक्रम को आम भौनी दुर्गेश नंदिनी एत बहुमूल्य समय दे बहुत बहुत धन्यवाद आम अर्पण करुचु आम वरिष्ठ नागरिक मैंने भी बहुमूल्य समय दे आम मार्गदर्शन कार्यक्रम शोभा बढ़ई से भी अनेक अनेक धन्यवाद ताहले आगामी सप्ताह रे आपण मान सहित पुणी देखा हबो नमस्कार श्रोता मान नमस्कार।